This call is now being recorded. हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, हम टेंस मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर जो कि क्या है, रियल नंबर, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जो भी आवश्यक कॉन्सेप्ट हमें पहले से आने चाहिए उनकी पढ़ाई कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने क्या सीखा था, एक संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं यानी कि रैशनल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट यानी कि दर्शाया जाता है। पहले हमने सीखा था कि आखिर एक संख्या रेखा होती क्या है, उस पर पूर्णांकों को कैसे दर्शाया जाता है। पिछली क्लास में हमने सीखा था कि एक संख्या रेखा पर पूर्णांकों को दर्शाने के बाद एक परिमेय संख्या को कैसे दर्शाया जाता है, यानी कि रैशनल नंबर और नंबर लाइन। तो देखिए, इसमें हमने क्या सीखा था, सबसे पहले हमने यह देखा था कि कोई भी रैशनल नंबर दिया हो, मान लीजिए दिया गया है 5/7, आप सबसे पहले जो भी रैशनल नंबर दिया गया है उसे चेक करें कि वह किन दो पूर्णांकों के बीच में आएगा। और यह कैसे चेक करेंगे, इसे आप दशमलव में बदल लें, इसे आप डेसिमल यानी कि दशमलव में बदल लें और फिर चेक करें कि यह आखिर किन दो पूर्णांकों के बीच में आएगा। जब आपके दोनों अगल बगल के पूर्णांक निश्चित हो जाते हैं या फिर फिक्स हो जाते हैं, जैसे इसका यदि आप दशमलव निकालेंगे ना, तो इसका लगभग लगभग जो आपका दशमलव आएगा वह आएगा 0.7 के पास, 0.7 के आसपास आएगा। इसका मतलब यह क्या होगा, यह किन दो पूर्णांकों के बीच में स्थित होगा, 0 और 1 के बीच में। फिर 0 और 1 के बीच वाली दूरी को हम कितने भागों में बांटेंगे, 7 भागों में बांटेंगे। और 7 भागों में बांटने के बाद हम कितने भागों को लेंगे, हम टोटल 5 भागों को लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम किसी भी परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। काफी सारे एग्जांपल्स भी सॉल्व किए थे हमने पिछली क्लास में। चलिए, अभी इसी पर आधारित आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, 3/2 को संख्या रेखा पर निरूपित करना। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करें, बहुत ही ध्यान से सॉल्व करना है। ठीक है, बहुत ही ध्यान से सॉल्व करें। ऑप्शंस को ध्यान से देखना है। ऑप्शंस को ध्यान से देखें, ध्यान से उत्तर करें पोल सेक्शन में, जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है। सभी बच्चे कोशिश करेंगे, देखिए बहुत ही ध्यान से क्वेश्चंस को आंसर करें, जल्दबाजी में गलती नहीं करें। कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं। 3/2 को हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है। काफी बच्चे गलती कर रहे हैं, गलती नहीं करनी है, ध्यान से सॉल्व करें। सॉल्व सभी बच्चों को करना है, कोशिश सभी बच्चे करेंगे। जिन बच्चों का सॉल्व हो गया है वो एक बार दोबारा कोशिश करके देखें, हो सकता है जल्दबाजी में उन्होंने गलत उत्तर कर दिया है या फिर गलत आंसर निकल गया है। सभी बच्चे आंसर करें पोल सेक्शन में, काफी बच्चों के उत्तर नहीं आए हैं अभी तक। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं बेटा, क्वेश्चन सॉल्व करें जल्दी से। 3/2 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है।
we have to represent the number 3 by 2 on the number line. ठीक है, अच्छा अभी आपको कमेंट में कुछ नहीं लिखना है, नाम वगैरह आप केवल क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, चलिए अभी कमेंट सेक्शन बंद कर दिया गया है, थोड़ी देर और वेट कर रहे हैं हम, 30 सेकेंड। सभी बच्चों को आंसर करना है, काफी बच्चों ने अभी तक नहीं किया है उत्तर। फिफ्टीन सेकेंड और वेट कर रहे हैं, वैसे टाइम हो गया है 15 सेकेंड। जल्दी से आंसर करें, फाइव फोर थ्री टू वन, टाइम्स अप। चलिए अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं कमेंट में उत्तर कर सकते हैं। देखिए हमें क्या दिया गया है, 3/2, 3/2 है तो हम क्या करेंगे, 3 में 2 का भाग देंगे। क्यों भाग देंगे, क्योंकि सबसे पहले हमें यह तो पता लगाना है कि यह आखिर किन दो पूर्णांकों के बीच में स्थित होगा, तो 3 में 2 का भाग देंगे। 3 में जब 2 का आप भाग देंगे तो चलिए देख के देखते हैं, 2 एकम 2, 3 माइनस 2, 1 बचा, यहाँ पे पॉइंट लगाया दशमलव, यहाँ पर 0 लिखा, 2 5 10, 10 माइनस 10 0, तो क्या उत्तर आया इसका दशमलव में 1.5। तो 3/2 हमारा क्या हो गया है, 1.5 हो गया है, 1.5। इसका मतलब यह किन दो पूर्णांकों के बीच में स्थित होगा, 1 के बीच में और 2 के बीच में। ऐसा क्यों, क्योंकि यदि आप इसकी दशमलव संख्या को देखेंगे तो इसका जो पूर्ण भाग है, इसका जो पूर्ण भाग है 1 और इसके आगे वाली संख्या 2, तो यह इन दो पूर्णांकों के बीच में स्थित होगा। ठीक है, यहां तक तो हम सभी ने समझ लिया कि यह 1 और 2 के बीच में आएगा। तो चलिए हम सबसे पहले नंबर लाइन बना लेते हैं छोटी सी, यहाँ पे 0 हो गया है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2 और यहाँ पे -3, तो यह हमारी नंबर लाइन हो गई। अब हमें 3/2 को दर्शाना है, तो आएगा कहाँ पे, 1 आपका है यहाँ और 2 है आपका यहाँ पर, इस वाली दूरी पर कहीं ना कहीं आएगा, इस वाली दूरी पर आएगा। तो देखिए अभी हो सकता है कि कुछ बच्चों ने किया हो कि इसे 2 भागों में बांट दिया, 1/1 से 2 तक की जो दूरी है, ये लाल रंग से दर्शाई गई है, इसे नीचे हर के बराबर 2 भागों में बांट दिया। उसके बाद क्या किया है कि 3 हिस्सों को देख रहे हैं, तो उस तरकीब से यह क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए यदि हम 2 हिस्से करते भी हैं इसके, मान लीजिए यहाँ पे, तो एक हिस्सा यह हो गया है और एक हिस्सा यह हो गया है, पहला यह दूसरा यह, तो इसमें से अब हम 3 हिस्से कैसे छांट सकते हैं, 3 हिस्से तो हम छांट ही नहीं सकते, तो फिर हम क्या करेंगे, इसे दूरी वाले कॉन्सेप्ट से हल करेंगे, दूरी वाले कॉन्सेप्ट से हल करते हैं। ठीक है, या फिर अगर कोई बच्चा समझना चाहता है कि सर इसको ऐसे ही डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए यह जो आपकी अनुचित भिन्न होती है, यह जो आपकी अनुचित भिन्न है, इसे यदि आप मिश्र भिन्न में बदलें, अब मिश्र भिन्न में कैसे बदलेंगे, देखिए 3 में 2 का भाग दें तो 2 एकम 2 एक। अच्छा सभी बच्चे अपने आप को म्यूट पे रखें बेटा, सभी अपने आप को म्यूट पे रखेंगे। ठीक है, तो देखिए 3/2 को हम मिश्र भिन्न में बदल रहे हैं, कैसे बदलेंगे, 2 एकम 2 एक बार भाग गया, 2 एकम कितना आया 2 और ऊपर कितना है 3, 3 में से 2 गया तो 1 बचा और नीचे कितना है 2, तो यदि आप 3/2 अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदले तो क्या आया, 1 सही 1/2 आया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखिए 1 तो पूरा हो जाएगा, मतलब यहाँ 0 से 1 तक गए हम और उसके बाद वाली जो दूरी है उसमें हम 1/2 यानी कि आधा और चलेंगे,
आधा और चलेंगे तो कहां तक चलेंगे, यहां तक। तो हमारा उत्तर क्या है, यह वाला जो पॉइंट होगा यह होगा आपका 3/2, यह वाला क्या होगा 3/2 होगा। और यदि किसी स्टूडेंट को ऐसे समझ में नहीं आया है तो फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए 1.5 हमारी दशमलव वाली संख्या ही हमें पता लग गया, यह 1 और 2 के बीच में ही होगा। तो हम क्या करते हैं, अगल बगल वाले जो इसके पूर्णांक है 1 और 2, इन दोनों से इसकी दूरी निकाल लेते हैं। तो 1.5 की हम 1 से दूरी निकालेंगे तो क्या आएगा 0.5, फिर 2 से यदि दूरी निकालते हैं 1.5 की तो क्या आएगा 0.5। तो 1 और 2 यानी कि अगल बगल वाले पूर्णांक से इसकी दूरी समान आ रही है तो हम कहेंगे यह 1 और 2 इन दोनों के बिल्कुल बीचों बीच में स्थित होगा यहाँ पर, ठीक है। तो हमारा 3/2 कहाँ आएगा, 1 और 2 के बिल्कुल बीचों बीच आएगा, क्योंकि 1 और 2 से इसकी दूरी समान है। क्या सभी बच्चों को क्लियर हुआ, समझ में आया, क्या सभी बच्चों को यहां तक क्लियर हुआ? तो देखिए सिंपल सी सर? बात, अगर हाँ जी हाँ, जैसे यहाँ 3/2 में यहाँ पे माइनस होता तो फिर सर ये इस साइड चलता हाँ जी फिर माइनस। 0 के उस तरफ चलता, बिल्कुल। तो देखिए अभी तो 3/2 है तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 1 और 2 के बिल्कुल बीचों बीच। अब 1 और 2 के बिल्कुल बीचों बीच कौन सा उत्तर है, केवल ऑप्शन सी है, 1 ये है 2 ये है, इसके बीचों बीच यहाँ पर है, तो हमारा उत्तर हो गया सी। अभी मान लीजिए यहाँ पे 3/2 ना होके माइनस का 3/2 होता तो कहाँ पे लिखते हम, माइनस का 3/2 होता, एक मिनट इसको चलिए अलग पेज पे सॉल्व ही कर लेते हैं। माइनस का 3/2 होता तो जब आप -3 में 2 का भाग देते तो क्या आता, माइनस का 1.5 आता। फिर हम क्या कहते हैं, यह किन दो पूर्णांकों के बीच में स्थित होगा, -1 और -2 के बीच में। फिर हम क्या बोलेंगे कि चलिए एक संख्या रेखा बनाते हैं, उस पर सबसे पहले हमारे अंकों को अंकित करते हैं, 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, ठीक है। उसके बाद देखिए -1 है, -2 है, -1 यह रहा, -2 यह रहा, मतलब कि इस वाली दूरी पर आपका कहीं माइनस का 3/2 आएगा, लेकिन वो एग्जैक्टली आएगा कहाँ पे, इसके लिए हमें क्या निकालनी पड़ेगी, दूरी निकालनी पड़ेगी। तो जब -1.5 से आप -1 की दूरी निकालेंगे ना तो क्या आएगा, देखिए -1.5 माइनस माइनस का 1 तो यह आएगा माइनस का 0.5। इसके बाद यदि आप -1.5 की -2 से दूरी निकालें, -2 माइनस -1.5 तो क्या आएगा, तो भी आएगा 0.5। अब ये माइनस का 0.5 क्यों आ रहा है, माइनस दिखा रहा है आपको कि यह दूरी माइनस की तरफ आ रही है, जबकि दूरी दोनों से देखिए बिल्कुल सेम आई है, -1 से भी और -2 से भी, जब दोनों अगल बगल वाले बिंदुओं से दूरी सेम आई है तो हम क्या कहेंगे, यह बिल्कुल बीचों बीच यहां पर स्थित होगा। तो यह आएगा आपका -3/2, यदि +3/2 है तो वह यहाँ आएगा इन दोनों के बीच में +3/2, ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ जी, इसका उत्तर सी है, बिल्कुल। सर एक बार ये बताना, आप कैसे बता रहे थे कि एक पूरी होगी दूरी और एक एक आधी 1/2। ठीक, अच्छा देखिए मैं बता दूंगा, लेकिन आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है क्या अच्छे से? ठीक सर आ गया। है, तो देखिए आप है ना क्लास के बाद रुक जाना, आपको वो कॉन्सेप्ट भी बता दिया जाएगा, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ठीक है, इसलिए अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है अच्छे से तो आप इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करें, ठीक है। बाकी अगर आपको जानने की इच्छा है तो वो भी आपको क्लास के बाद रुक जाना, क्लास के बाद बता दिया जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, तो इसका हमारा सर उत्तर, हाँ जी बताइए। हाँ वो आपने पिछला 2/1 2 और 1 के बीच में 3/2 कैसे किया? ठीक, अच्छा पिछली क्लास में मौजूद नहीं थे क्या, रवि बोल के आईडी से जो स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो देखिए 2 और 3 के बिल्कुल बीचों बीच में क्यों आया ये 3/2, यही पूछ रहे हैं क्या, यही पूछ रहे हैं कि यह बिल्कुल बीचों बीच में क्यों आया, सर ठीक है। तो देखिए बेटा हमने क्या किया है, 3/2 को लिख दिया, मान लीजिए चलिए, अच्छा यहाँ पर तो माइनस का है,
यह वाला ले लेते हैं यहाँ, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा, एक मिनट। 3/2 को जब हमने दशमलव की संख्या में बदला तो क्या आया था, 1.5 आया था। 1.5 से हमने क्या बोला था, इसके अगल बगल वाले बिंदु कौन से होंगे, 1 और 2, 1 और 2 के बीच में यह स्थित होगा। फिर हमने क्या किया, इस 1.5 यानी कि 3/2 ही है, बस इसको दशमलव के रूप में लिख दिया। तो 1.5 की इन दोनों अगल बगल वाले बिंदुओं से हमने दूरी निकाल ली, यानी कि 1.5 की भी मैंने दूरी निकाल ली, 1 से कितनी आई 0.5, 2 से भी मैंने 1.5 की दूरी निकाल ली, कितनी आई 0.5। तो इसके अगल बगल वाले, यह एक ऐसा बिंदु है जिसके अगल बगल वाले पूर्णांक 1 और 2 हैं, और उन दोनों से दूरी इसकी समान है, क्योंकि इन दोनों से इसकी दूरी समान है तो हम क्या कहेंगे, फिर तो यह इन दोनों के बिल्कुल बीचों बीच में ही स्थित होगा ना, 2 और 3 के। अच्छा, 2 और 3 का नहीं होगा, 1 और 2 के होगा। एक मिनट, तो का आएगा हाँ जी, यह आएगा 1 और 2 के बीच में, बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है। बीच में क्यों आया, क्योंकि तभी आपकी इस बिंदु की, देखिए, इससे भी दूरी समान हो सकती है और इससे भी दूरी समान हो सकती है, तो तभी आपकी दूरियां समान होंगी। यदि बीचों बीच में नहीं आएगा तो फिर एक से दूरी ज्यादा हो जाएगी, दूसरे से दूरी कम हो जाएगी। क्लियर है, समझ में आया अभी रविराज की आईडी से जो स्टूडेंट है, ठीक यस सर है। किसी स्टूडेंट का कोई और डाउट है क्या, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं बेझिझक, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। चलिए, कोई डाउट नहीं है तो हम आगे चलते हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104 किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। -7/2 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है, वी हैव टू रिप्रेजेंट नंबर -7/2 ऑन द नंबर लाइन। ध्यान से सॉल्व करेंगे, जल्दबाजी में गलती नहीं करना है किसी को। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, ध्यान से सॉल्व करना है। नेगेटिव नंबर है, आपको अभी बताया गया है, नेगेटिव नंबर को हम कैसे करते हैं, सर इनमें से कौन सा है, कौन क्या बोल रहे हैं इनमें से। बेटा, सा सवाल करना है सर। सवाल तो एक ही है, यह तो सारे ऑप्शन है, सवाल तो ऊपर दिया गया है कि -7/2 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। अब वो चारों आपको ऑप्शन दिए गए हैं कि कौन सा ऑप्शन उनमें से सही है, यानी कि, सर देख नहीं रहा अच्छा आपको स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या, नो सर ठीक है। अच्छा, स्क्रीन नहीं दिख रही है तो देखिए, एक काम कीजिए, या तो आप किसी ऐसी जगह पे चले जाइए जहां नेटवर्क अच्छे आते हैं, या फिर आप क्लास को काट कर दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं, गलती नहीं करनी है बेटा, ध्यान से सॉल्व करें, जल्दबाजी में गलती नहीं करें। वेरी गुड, कुछ बच्चों को उत्तर सही भी आ रहे हैं। यदि आपको जो प्रोसेस बताया गया है, जो तरीका बताया गया है, उसके हिसाब से आप सॉल्व करेंगे ना, तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इनफैक्ट आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी।
वेरी गुड, काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे उत्तर करें बेटा, सभी बच्चों को आंसर करना है। चलिए लास्ट 30 सेकेंड, 30 सेकेंड और वेट कर रहे हैं। सभी बच्चे आंसर करें। ट्वेंटी सेकेंड, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, कॉमेंट सेक्शन में उत्तर करेंगे। लास्ट 10 सेकेंड, 10 सेकेंड और बचे हैं। फाइव, फोर, थ्री, टू, वन, टाइम से। चलिए अभी जो भी बच्चे सॉल्व नहीं कर पाए हैं कमेंट सेक्शन में अपना उत्तर कर सकते हैं। तो देखिए हमें क्या दिया गया है, -7/2 को संख्या रेखा पर दर्शाना है, -7/2 को हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो आपको क्या तरीका बताया गया था, क्या मेथड है? सबसे पहले आप अपनी जो भी परिमेय संख्या दी गई है उसे का यह पता लगाए कि यह किन दो पूर्णांकों के बीच में आएगी। तो मैं -7/2 में पहले 7 में 2 का भाग देता हूँ। तो जब आप 7 में 2 का भाग देंगे तो यह आएगा 3, 2, 3, 6, 7 में से 6 गए तो 1 बचे, 0.0, 2, 5, 10, 10 - 10, 0, तो क्या आया आपके पास 3.5, लेकिन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस का 7 है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैं इसको इरेज कर देता हूँ, माइनस का 3.5। इसका मतलब यह किन दो पूर्णांकों के बीच में होगा, यह माइनस का 3, यह आपका माइनस का 3 और एक इसके आगे वाला पूर्णांक यानी कि माइनस के 4 के बीच में होगा, -3 और -4 के बीच में कहीं ना कहीं होगा। अब एग्जैक्टली कहाँ पे होगा तो आप वो कैसे निकाल सकते हैं, इस -3.5 के अगल बगल वाले पूर्णांक हमने निकाल लिए -3 और -4, इन दोनों पूर्णांकों से इसकी क्या निकाल लें, दूरी निकाल लें। तो यदि जब आप इनकी दूरी निकालेंगे ना तो आपकी दूरी सेम ही आएगी, माइनस का 0.5। लेकिन क्या हमें दूरी निकालने की जरूरत है, चलिए देखते हैं। हमें यह पता लग गया -3 और -4 के बीच में आएगा। तो देखिए ऑप्शन ए को देखते हैं, ऑप्शन ए तो -2 को अंकित किया हुआ है तो यह तो गलत है। ऑप्शन बी में 2 को अंकित किया हुआ है, यह भी गलत है। ऑप्शन डी में -3 को अंकित किया हुआ है, हमें -3 को अंकित नहीं कराना, -3 और -4 के बीच में कहीं आएगा। तो देखिए ऑप्शन डी भी गलत हो गया। ऑप्शन सी जो है इसमें आपको दी गई है एक जगह -4 और -3 के बीच में एक बिंदु है, उसे अंकित किया गया है। तो इसका मतलब जब तीन ऑप्शन हमारे गलत हो गए तो एक ऑप्शन ऑप्शन सी ही सही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। और क्यों है, क्योंकि उसमें एक बिंदु -3 और -4 के बीच में ही दर्शाया गया है। तो इस तरीके से आप प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाने वाले। ठीक है, तो इसका आपका उत्तर हो गया ऑप्शन सी। क्या सभी बच्चों को यह कॉन्सेप्ट समझ में आया, जल्दी से वाई और एल लिख कर बताइए। क्या सभी बच्चों को क्लियर हुआ परिमेय संख्याओं को हम संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं? कमेंट करके बताना है जल्दी से वायु रन लिख के। ठीक है, सभी को क्लियर है, बहुत अच्छे। तो आज के हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं निकालना। परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं निकालना यानी कि फाइंडिंग रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स।
जो रैशनल नंबर दिए होंगे उनके बीच में हमें और रैशनल नंबर्स निकालने होंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए सबसे पहले हम एक प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं कि माइनस पांच और तीन के बीच में कितने पूर्णांक आते हैं। तो देखिए मैं गिनती लिखता हूँ, चलिए माइनस पांच से ही लिखते हैं, माइनस पांच, इसके बाद आएगा माइनस चार, माइनस तीन, माइनस दो, एक, जीरो, एक, दो, तीन। तो कितने पूर्णांक है यहाँ पर आपके, माइनस पांच यह रहा, तीन यह रहा, इसके बीच में ये पूर्णांक है, एक दो तीन चार पांच छह सात। तो टोटल सात पूर्णांक आ गए। कितने पूर्णांक आ गए? टोटल सात पूर्णांक आ गए, दो पूर्णांक हमें दिए गए हैं उनके बीच। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप देख भी सकते हैं कि हमें यदि कोई दो पूर्णांक दिए गए होते हैं तो उनके बीच में सीमित पूर्णांक आते हैं, यानी कि लिमिटेड नंबर आते हैं जिन्हें कि हम आसानी से गिन सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर कितने आए हैं? सात पूर्णांक आए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप किन्हीं दो पूर्णांकों के बीच में पूर्णांकों की संख्या निकाल सकते हैं। अभी देखिए एक नोट में हमें क्या लिख कर दिया गया है कि दो क्रमागत पूर्णांकों के बीच पूर्णांकों की संख्या जीरो होती है। दो क्रमागत का मतलब क्या है? दो कोई भी लगातार पूर्ण, जैसे कि तीन और चार ले लीजिए, तो बिल्कुल तीन और चार के बीच में तो कोई पूर्णांक होगा ही नहीं। ऐसे ही मान लीजिए चार और पांच ले लें, तो चार और पांच के बीच में भी कोई पूर्णांक नहीं है, क्योंकि चार के जस्ट बाद तो पांच ही आता है। ऐसे ही मान लीजिए आठ और नौ, सॉरी सात और आठ ले लिया, सात और आठ के बीच में कोई पूर्णांक नहीं होगा क्योंकि ये भी लगातार है। तो कोई भी दो लगातार पूर्णांक या फिर क्रमागत पूर्णांकों के बीच में पूर्णांकों की संख्या, ध्यान रखना है अभी हम किसके बीच बात कर रहे हैं, पूर्णांकों के बीच ही बात कर रहे हैं, पूर्णांकों की संख्या की ही बात कर रहे हैं, यानी कि इंटीजर्स के बीच में इंटीजर्स की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि उदाहरण भी दिया गया है माइनस दो और माइनस तीन, तो माइनस दो और माइनस तीन दोनों लगातार है, तो इन दोनों के बीच में एक भी पूर्णांक नहीं होगा। ठीक है, ये भी हमने पॉइंट देख लिया है कि दो पूर्णांकों के बीच में जो पूर्णांकों की संख्या होती है वह सीमित होती है या फिर हम कहें परिमित होती है, जिसे इंग्लिश में हम फाइनाइट कहते हैं, यानी कि दो कोई भी इंटीजर दिए गए हैं उनके बीच में हम आसानी से इंटीजर को निकाल सकते हैं, उनकी संख्या सीमित होती है। ठीक है, और एक ये पॉइंट है कि हम जानते हैं जो कि हम पहले से कि सभी पूर्णांक आपके परिमेय संख्याएं होती है। कोई भी पूर्णांक हो, मान लीजिए माइनस का पांच है, तो इसे मैं ऐसे तो लिख ही सकता हूँ माइनस का पांच बटा एक, तो यह क्या है, यह पी बटे क्यू के रूप में लिखा हुआ है। तो प्रत्येक पूर्णांक आपका एक परिमेय संख्या होती है। क्या यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है या किसी को डाउट है? क्लियर है तो वाई लिखें। अच्छा, जिसको भी डाउट है वो एन लिख दे बस जल्दी से। हाँ जी, मीना सैनी की आईडी से जो स्टूडेंट है बेटा बताइए कहाँ डाउट है। सर एक बार ये दोबारा बताना जी, कौन सा वाला? सर पांच बटे एक पी क्या, और ये जो दूसरे नंबर पे है ये सीमित परिमित वाला। अच्छा, दूसरे नंबर पे तो यह लिखा है कि दो पूर्णांकों के बीच में जो हमने अभी डिस्कस किया था ना, मान लीजिए जैसे कि हमने यहाँ देखा था, जैसे कि हमने यहाँ पर सॉल्व किया था कि माइनस पांच और तीन दो पूर्णांक है, इनके बीच में कुल कितने पूर्णांक आए थे? कुल सात पूर्णांक आए थे। तो यानी कि दो पूर्णांकों के बीच में कुछ सीमित पूर्णांक होते हैं, फाइनाइट नंबर होते हैं, फाइनाइट इंटीजर्स होते हैं। जैसे इन दोनों के बीच में कितने थे? सात, जिन्हें कि हम आसानी से गिन पा रहे हैं, तो वह यह लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर हुआ क्या? और यह क्या लिखा हुआ है? यह तो आपकी पी बटे क्यू यानी कि परिमेय संख्या की परिभाषा होती है, वह संख्या जो कि पी बटे क्यू के रूप में लिखी गई हो। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है, इसके नीचे कुछ भी ना हो तो एक लिखते हैं। हाँ जी, अगर कहीं किसी भी संख्या में यदि आप एक से भाग देंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी। माइनस पांच में यदि मान लीजिए मैं एक से भाग भी देता हूँ तो मुझे वही संख्या प्राप्त होगी। तो कोई भी पूर्णांक को, यही बताया जा रहा है कि आपके सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं। ऐसा क्यों होता है? तो मान लीजिए कोई पूर्णांक दो है, दो को तो मैं दो बटा एक भी लिख सकता हूँ। ठीक है, और दो बटा एक क्या हो गया? मेरी पी बटा क्यू के रूप की संख्या हो गई, और पी बटा क्यू के रूप की संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं।
इसका मतलब यह कैसी संख्या हो गई, यह परिमेय संख्या हो गई। और जब यह परिमेय है तो इसका मान भी तो दो ही होगा, इसका मतलब यह भी परिमेय संख्या होगी। तो यह आपको बताया जा रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि कोई भी पूर्णांक हो वह सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। क्लियर है? क्लियर है? मीना सनी की आईडी से जो स्टूडेंट यस सर। ठीक। चलिए तो अभी हम निकालते हैं कि आखिर दोनों दो परिमेय संख्याओं के बीच में हमें परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करनी है। पहले हमने क्या सीखा था कि दो पूर्णांकों के बीच में पूर्णांक कैसे ज्ञात करने हैं, वो तो हम बहुत ही आसानी से गिनकर भी याद कर सकते हैं, या फिर हम यदि यहाँ पर इस तरीके से संख्या रेखा बना दें उनके बीच में भी संख्या रेखा बनाकर ज्ञात कर सकते हैं पूर्णांक तो। लेकिन अब हमें निकालना है कि परिमेय संख्याओं को कैसे ज्ञात करें। तो देखिए सबसे पहले क्या दिया है, हमें क्वेश्चन दिया गया है या उदाहरण दिया गया है कि 2/5 और 7/5 के बीच में दो परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। वी हैव टू फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन दीज टू रैशनल नंबर्स 2/5 एंड 7/5। तो देखिए सबसे पहले आपकी स्टेप क्या होगी, सबसे पहले आपकी स्टेप वन होगी कि जो भी आपको संख्याएं दी गई है उनके हरों की तुलना करनी है, यानी कि डिनोमिनेटर्स की तुलना करनी है। तो सबसे पहले यहाँ चलिए लिख देते हैं स्टेप वन कि हरों की तुलना करें, हरों की तुलना करें। और आपके हर कैसे होने चाहिए, हर समान होने चाहिए, हर समान होने चाहिए। यदि हर समान नहीं भी हैं तो हम उन्हें समान बनाएंगे, जो कि हम आगे के उदाहरणों में देखेंगे। सबसे पहले क्या करना है, जो भी परिमेय संख्याएं दी गई हैं उनके हरों की तुलना करें, यानी कि डिनोमिनेटर्स को कंपेयर करें। तो हमें इस बार क्या दिया गया है, हमें दिया गया है 2/5 और 7/5। तो इन दोनों के हर तो क्या है, इन दोनों के हर तो समान है, तो इसका मतलब हरों की तुलना कर ली, हर हमारे समान होने चाहिए। यदि नहीं होते तो हम हरों को समान बनाते, लेकिन अभी हर समान दिए गए हैं तो अभी के लिए रहने देते हैं, पहले से ही समान है। स्टेप टू क्या आती है कि यदि हर समान हो गए हैं, यदि हर समान है, यदि हर समान है तो अंश की तुलना करें, अंश यानी कि ऊपर वाली संख्या न्यूमरेटर, तो हमें अंश की तुलना करनी है। अब अंश की तुलना से क्या मतलब है, देखिए नीचे तो 5 और 5 है, ऊपर क्या है 2 और 7, तो मैं क्या करता हूँ इन्हें लिख लेता हूँ, 2/5 यहाँ हो गया, 7/5 यहाँ हो गया। इसके बाद देखिए 2/5 के बाद क्या आएगा, 3/5 आएगा, 4/5 आएगा, 5/5 आएगा, 6/5 आएगा, उसके बाद जाके कहीं आएगा 7/5, उसके बाद क्या आएगा 7/5। तो इन दो परिमेय संख्याओं के बीच में किन दो के, इन दो परिमेय संख्याओं के बीच में हमने यह चार परिमेय संख्याएं छांट ली है। ठीक है, हमसे कितनी पूछी है, दो पूछी है, तो इनमें से कोई भी दो हम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप इन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। कैसे किया एक बार जल्दी से दोबारा देखें, सबसे पहले हमने हरों की तुलना करी कि हमारे हर समान होने चाहिए, इस क्वेश्चन में हर समान है, आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिनमें हर समान नहीं होंगे तो हम हरों को समान बनाएंगे। ठीक है, तो अभी तो इसमें समान है, तो जब हर समान हो गए तो हमने अंश यानी कि ऊपर वाली संख्याओं की तुलना करी, यह था 2/5, यह था 7/5, इन दोनों के बीच में क्या होंगे, 2 के बाद 3/5, 4/5, 5/5, 6/5, चार परिमेय संख्या निकाल ली, इनमें से कोई भी दो हम लिख सकते हैं। क्लियर है, समझ में आया सभी को? अच्छा डाउट वाले बच्चे बताएं, किसी को डाउट है क्या, किसी भी स्टूडेंट को डाउट है क्या? ठीक है, किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छे। तो देखिए यहाँ पे अभी आपको लग रहा होगा कि सर यह जो दो परिमेय संख्या है इनके बीच में बस केवल और केवल यह चार परिमेय संख्या ही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। मान लीजिए अभी यदि मेरे पास क्या हो,
12/20 लिखा हुआ है, तो क्या वह भी इन दोनों के बीच में है या फिर अलग है? देखिए 12/20 को मैं क्या कर सकता हूँ, 12/20 को यदि मैं 4 से काटू तो 3/5, यानी कि मान तो दोनों का सेम ही आएगा, चाहे मैं 12/20 का निकालू चाहे मैं 3/5 का निकालू, दोनों का मान सेम ही आएगा। इसका मतलब 12/20 भी इन दोनों मानों के बीच में ही स्थित होगी, 12/20 भी इन दोनों के मानों के बीच में ही स्थित होगी। ऐसे तो मैं अनंत प्रकार की परिमेय संख्या निकाल सकता हूँ। इसको मैंने अभी 4 से गुणा किया तब आया 12/20, मान लीजिए इसको मैं ऊपर नीचे 5 से गुणा करूं तो आ जाएगा 15/25, तो इसके बीच इन दोनों के बीच में तो 15/25 भी होगा। मान लीजिए इसे मैं 6 से गुणा करता हूँ, 3/5 × 6/6, तो देखिए 6 × 3 = 18 और 6 × 5 = 30, तो 18/30 का मान भी उतना ही आएगा जितना 3/5 का है, तो फिर तो यह भी इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में स्थित होगी। तो इसीलिए हम कहेंगे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, जबकि दो पूर्णांकों के बीच में सीमित पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक अनंत नहीं होते हैं। किसी भी स्टूडेंट को कहीं पर कुछ भी समस्या आए, डाउट आए, तो बेटा पूछ लेना है, ठीक है? तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी संख्याएं हो गई, परिमेय अनंत, ठीक है? चलिए, तो इसका मतलब इसीलिए नोट में यहाँ लिखकर दिया भी गया है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित परिमेय संख्याएं होती हैं, यानी कि अनंत बहुत सारी परिमेय संख्याएं होती हैं जिन्हें कि हम गिन नहीं सकते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। अभी देखिए उदाहरण दो हमारा क्या आया है, -5/3 दिया है, -8/7 दिया है, यह दो परिमेय संख्या दी गई है और हमसे पूछा है कि इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, 5 परिमेय संख्याएं लिखनी है, ठीक है? चलिए स्टेप 1 कोई बच्चा बताएगा कि स्टेप 1 क्या थी, अनम्यूट करके कोई भी स्टूडेंट, इससे पहले हमने जो एग्जांपल किया था सर, पहले इसके आंसर बराबर होने चाहिए देखना और फिर हर। हाँ जी, वेरी गुड। तो हमें बताया गया था कि हमें क्या करना है, हरों की तुलना करनी है, सबसे पहले हरों को देखना है जो भी परिमेय संख्याएं हमें दी गई है। यहाँ पर हर क्या है, 3 है और 7 है, लेकिन हमारे हर समान होने चाहिए, यहाँ तो अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे, हम इनके हरों को समान बनाएंगे। अब हरों को समान कैसे बनाते हैं, देखिए या तो आप सोच पाए, देखिए इसे भी मैं कुछ ऊपर संख्या से गुणा करूंगा और नीचे संख्या से गुणा करूंगा, यहाँ पे -8/7 है, यहाँ भी मैं कुछ ऊपर संख्या से गुणा करूंगा और नीचे संख्या से गुणा करूंगा, लेकिन ये दोनों संख्याएं सेम होनी चाहिए और ये दोनों संख्याएं सेम होनी चाहिए, क्योंकि हम संख्याओं का ऊपर और नीचे सेम संख्या से ही गुणा कर सकते हैं। तो लेकिन मैं यहाँ पर ऐसी संख्या से गुणा करूं और यहाँ पर भी ऐसी संख्या से गुणा करूं कि इन दोनों का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल समान आ जाए, तभी तो मैं कहूंगा कि मेरा हर समान हो गया है। 3 का ऐसी संख्या से गुणा करूं और 7 का ऐसी संख्या से गुणा करूं कि जब इन दोनों का गुणनफल समान आ जाए, ठीक है? किसी भी स्टूडेंट को बेटा कहीं पे कुछ भी डाउट हो ना तो डाउट पूछ लेना। तो देखिए हम कैसे करते हैं, 3 का ऐसी कौन सी संख्या से मैं गुणा करूं जो कि 7 की संख्या से गुणा करने पर बराबर आ जाए, तो एक काम करता हूं, मैं 3 का गुणा 7 से कर देता हूं और 7 का गुणा 3 से कर देता हूं, क्योंकि 3 7 क्या आएगा, 3 7 21 आएगा। अच्छा यह 7 है, आपको 1 लग रहा होगा, एक मिनट, यह है 3 7 21 और यह कितना है 7, दिया 21 हो जाएगा। तो एक तरीके से मैं क्या कह रहा हूं कि आपका जो हर है, इस संख्या का जो हर है ना, आप इसके हर से इसके ऊपर नीचे गुणा करें और इस संख्या में इस संख्या के हर से ऊपर नीचे गुणा करें। एक बार फिर से समझेंगे, हो सकता है आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा हो, एक बार फिर से समझेंगे क्या करना है। हमने सबसे पहले कहा इन दोनों के हर समान नहीं है, -5/3 और -8/7 इन दोनों के हर समान नहीं है, हर हमें समान करने हैं, तो कैसे समान करेंगे, ऊपर नीचे कुछ संख्या से गुणा करेंगे, इसमें भी और इसमें भी,
अब कौन सी ऐसी संख्या है जिससे गुणा करने पर इन दोनों के हर समान हो जाए? तो इस संख्या का जो हर है 7, इसका मैं यहाँ पे गुणा कर देता हूँ, और इस दूसरी संख्या का जो हर है 3, इसका मैं यहाँ पे गुणा कर देता हूँ। तो देखिए होगा क्या, 5 गुना 7 क्या आएगा, माइनस का 35, 5 7 35 होता है, माइनस 35/7 दिया 21, और यहाँ पे क्या आएगा, 8 3 24, तो माइनस 24/7 दिया 21। तो क्या हो गया, यहाँ हो गया माइनस 35/21, यहाँ हो गया माइनस का 24/21। अब हम देखेंगे क्या हम हमारे हर समान हो गए हैं क्या, बिल्कुल हमारे हर समान हो गए हैं, यह भी हर समान हो गया, यह भी हर समान हो गया। तो अब देखिए फिर से हम वही कहेंगे कि आप अंशों की तुलना करें, आप क्योंकि हर समान हो गए, अंशों की तुलना करें और अपना उत्तर निकाल लें। क्या दिया गया है, माइनस 24/21 आया, इसे यहाँ लिखा, माइनस 35/21 आया, इसे यहाँ लिखा, इसके बीच में कौन कौन सी परिमेय संख्याएं आएंगी, माइनस 24 के बाद माइनस 25/21, माइनस 26/21, माइनस 27/21, माइनस का 28/21, और ऐसे ही कहां तक चलते जाएंगे, माइनस का 34/21 तक। तो यह सभी इनके बीच की परिमेय संख्याएं होंगी, आप कोई भी 5 परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। क्या सभी बच्चों को समझ में आया या किसी को डाउट है? डाउट है तो डाउट पूछ लेना है, डाउट रखना नहीं है। अच्छा मीना सैनी की आईडी से स्टूडेंट है, आपने लिखा है टेन है मतलब, पर इसके बीच में 10 संख्या है नहीं? अच्छा हाँ 10 संख्या देखिए अभी दिख रही है, 10 संख्या केवल हमने निकाली है, होंगी कितनी, अगर आपसे कोई पूछे कि टोटल कितनी संख्या होंगी, तो होंगी तो अनंत संख्या है। अनंत संख्याएं क्यों होंगी, देखिए माइनस 25/21 है, माइनस 25/21 का कुछ मान होगा, माइनस 25/21 का कुछ मान होगा। अब जो मान माइनस 25/21 का होगा, एक मिनट, जो मान माइनस 25/21 का होगा वही मान किसका होगा, मैं यदि 2 से इसे गुणा करूं, माइनस 25/21 गुणा 2/2, तो वही मान आएगा आपका माइनस 50/42 का। तो माइनस 50/42 भी इन दोनों के बीच में ही स्थित होगी। तो स्टेप 1 फिर से बताना है, ठीक है, देखिए दोबारा से समझिए, आपको यदि 2 ऐसी परिमेय संख्या दी जाती है जिनका हर समान नहीं है, जैसे यहाँ पे दी गई है 3 और 7, तो आपको इनका हर समान करना पड़ेगा। अब उस हर को समान कैसे करेंगे, संख्या का जो हर है इसका आप यहाँ पे ऊपर नीचे गुणा करें, और इस संख्या का जो हर है इसका आप यहाँ पर ऊपर नीचे गुणा करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे किया है नीचे माइनस 5/3 से किसका गुणा किया है, 7/7 का, और यहाँ पे माइनस 8/7 से किसका गुणा किया है, इस 3 का, ऊपर नीचे सेम संख्या से गुणा किया है। तो जब आप गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 35/21 और माइनस का 24/21, और माइनस 24/21 माइनस 35/21 आया, हमारा जो हर है वह समान हो गया है। अब हम अंश को तुलना करके काफी सारी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर 10 तो हमें दिख रही है, वैसे अनंत परिमेय संख्याएं होती है। क्लियर है, किसी को डाउट है, क्लियर है तो वाई लिखें, कुछ भी डाउट है तो एन लिखें। अच्छा मीना सैनी की आईडी से स्टूडेंट है, हमने आपको म्यूट पे कर ले बेटा, ईमानदारी से बताना है, जबरदस्ती वाई नहीं लिखना है, यदि समझ में आया है तभी वाई लिखें, ठीक है, सभी को क्लियर है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पर पूरी आपको लिख कर दिया गया है, पूरा प्रोसेस पूरा तरीका आपको लिखकर बताया गया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए यह क्वेश्चन हो गया, तो अभी हम चलते हैं उदाहरण नंबर 3 पर, अभी हम क्या करते हैं उदाहरण नंबर 3 पर चलते हैं। तो उदाहरण नंबर 3 क्या दिया गया है, हमें दिया गया है 2 पूर्णांक -2 और -1, इन दोनों के बीच में 3 परिमेय संख्याएं निकालनी है, इन दोनों के बीच में क्या निकालनी है, 3 परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो 3 परिमेय संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए -1 है और -2 है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ,
सबसे पहले मैं इन्हें परिमेय संख्याओं के रूप में ही लिख लेता हूँ, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि सारे पूर्णांक आपकी परिमेय संख्या होती है। तो माइनस एक भी एक परिमेय संख्या होगी, इसे मैंने लिखा माइनस एक बटे एक। यह भी परिमेय संख्या होगी, इसे मैंने लिखा माइनस का 2/1। ठीक है, इसके बीच में आप देखिए अब हम कैसे निकालेंगे। अभी आप कह सकते हैं कि सर इन दोनों का हर तो समान है। बिल्कुल इन दोनों का हर समान है, लेकिन आप देखिए अंश की तुलना करके डायरेक्ट निकाल नहीं पा रहे हैं। ऊपर माइनस एक है, इधर माइनस दो है। माइनस एक और माइनस दो के बाद आप क्या लिखेंगे, आप निकाल नहीं पाएंगे। हालांकि आप लिखने को ऐसा लिख सकते हैं, देखिए माइनस एक पॉइंट एक आएगा, एक और दो के बीच में क्या आएंगे माइनस एक पॉइंट एक आएगा, फिर एक पॉइंट दो आएगा, फिर एक पॉइंट तीन आएगा, ये सभी माइनस में। और फिर आप इनको परिमेय संख्या में बदल लीजिए, यानी कि दशमलव को हटाया नीचे दस लगाया, फिर इसको हटाया नीचे दस लगाया, फिर इसको हटाया नीचे दस लगाया, तो क्या हो जाएगा माइनस का 11/10। अच्छा ठीक है, उसको मैं दिखा दूंगा। अभी इस क्वेश्चन को समझे, चीनू कुमार की आईडी से स्टूडेंट है, अभी इस क्वेश्चन को समझे। ठीक है, तो माइनस 11/10 हो गया, माइनस का 12/10 हो गया, माइनस का 13/10 हो गया। तो हमारी क्या आ गई, तीन परिमेय संख्याएं आ गई। ठीक है, एक तरीका तो है यह, एक तरीका तो है यह, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके में किसी को डाउट है क्या, इस तरीके में किसी को डाउट है बेटा? यदि किसी को भी डाउट है तो एन लिखेंगे, समझ में नहीं आया है तो एन लिखेंगे। ठीक है, किसी को डाउट नहीं है ना? अच्छा, आप सभी बार बार वाई नहीं लिखे, किसी को यदि डाउट है तो पूछ लेना बस। अब आता है हमारा दूसरा तरीका, क्या बोल रहे हैं सर, एक और बार बता दो। ठीक, अच्छा ये बताइए पहले, आप दशमलव संख्या से परिमेय संख्या बदलना आता है क्या आपको? जैसे 1.1 लिखा हुआ है, इसे परिमेय संख्या में कैसे बदलेंगे ये पता है क्या? नो सर। बेटा आपको बताइए, आप पिछले कॉन्सेप्ट को रिवाइज नहीं कर रहे हैं, हमने वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज किया है। ठीक है, अच्छा बता दो। ठीक है, बता रहा हूँ मैं, हम अभी दूसरे कॉन्सेप्ट से और समझेंगे, उससे आप सॉल्व कर सकते हैं, वो आसान रहेगा। ठीक है, देखिए इसमें हमने क्या किया था, यहाँ पर हमें दिया गया था माइनस एक, यहाँ दिया गया था माइनस दो। अब इन दोनों के बीच में मुझे तीन परिमेय संख्या निकालनी है। ठीक है, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ माइनस एक बटा एक, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ माइनस का 2/1। इन दोनों के बीच में क्या क्या होंगी, माइनस 1.1 भी तो इन दोनों के बीच में ही होगा, एक और दो के बीच में, फिर माइनस का 1.2 भी इनके बीच में होगा, माइनस 1.3 भी इनके बीच में होगा, माइनस 1.4 भी इनके बीच में होगा। यह समझ में आया आपको, मीना सैनी की आईडी से जो स्टूडेंट है? यस सर। ठीक है, तो इसके बाद देखिए ये हमने चार संख्याएं निकाल ली, पर आप और भी बाकी की संख्याएं निकाल सकती हैं ऐसे ही, लेकिन हमें केवल तीन परिमेय संख्या निकालनी है, तो हम इन तीनों को चुन लेते हैं। अब ये दशमलव की संख्या है, हमें इन्हें किसमें परिमेय संख्या में बदलना है, तो कैसे लिखेंगे, 1.1 को देखिए लिखते हैं, इसको हटाया नीचे एक लगाया, दशमलव के बाद कितने अंक है, एक अंक, तो नीचे एक जीरो लगाया, तो क्या हो जाएगा 11/10 हो जाएगा। सेम इसी तरीके से 1.2 है, 1.2 को भी हम क्या करेंगे, दशमलव हटाया नीचे एक लगाया, फिर दशमलव के बाद एक अंक है तो नीचे एक जीरो लगाई, तो यह हो जाएगा 12/10। तो क्या उत्तर आ जाएंगे हमारे, माइनस का 11/10, माइनस का 12/10, माइनस का 13/10, यह उत्तर आ जाएंगे। ठीक है, जिसको भी इस मेथड से समझ में आया है वो इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज अभी हम सेकंड मेथड पढ़ने जा रहे हैं। इसका यदि कोई बच्चा स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है, फिर हम इसको इरेज करने वाले हैं। चल तो अभी हम इसको दूसरे मेथड से करते हैं, दूसरे तरीके से इसको हम सॉल्व करते हैं। दूसरा तरीका क्या है, सबसे पहले हमें दिया गया है माइनस दो, अच्छा इसे मैं ऐसे लिख लेता हूँ, माइनस 1/1 और माइनस 2/1, एक और दो दिया गया है, उसके बटे में हमने एक एक लगा दिया, क्योंकि किसी भी संख्या में एक से भाग दें हमें वही संख्या प्राप्त होती है। ठीक है,
उसके बाद देखिए हमें कितनी परिमेय संख्या निकालनी है, तीन निकालनी है, तो हम क्या करते हैं इससे एक अधिक संख्या से इन सभी से गुणा करेंगे। मतलब यहाँ पर तीन परिमेय संख्या निकालनी है तो हम क्या करेंगे, तीन प्लस एक यानी कि चार से इसमें भी ऊपर और नीचे गुणा करें और इसमें भी ऊपर और नीचे गुणा करें। ठीक है, अब इससे फायदा क्या होगा, देखिए इसका मान कितना हो गया माइनस चार बटे चार, इसका मान कितना हो गया माइनस का आठ बटे चार, क्योंकि चार दुनी आठ और एक गुण चार चार। अभी यहाँ पर हमारी दोनों परिमेय संख्याओं के हर समान बन गए हैं और अंशों के बीच में भी हम तुलना आसानी से कर सकते हैं। माइनस चार बटे चार है, इसके बाद क्या आएगा माइनस का पांच बटे चार, माइनस का छह बटे चार, माइनस का सात बटे चार। तो आप देख सकते हैं इनके बीच में तीन परिमेय संख्या आ गई है। इस तरीके से भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्या सभी बच्चों को क्लियर हुआ, क्या यह तरीका सभी बच्चों को क्लियर हुआ? हमने क्या किया है मैं एक बार फिर से चलिए बता देता हूं, जितनी भी परिमेय संख्याएं निकालनी है, जितनी भी परिमेय संख्याएं निकालनी है, कितनी निकालनी है, तीन परिमेय संख्याएं निकालनी है, तो हम क्या करते हैं चार एक अधिक, अच्छा एक अधिक भी नहीं, आप चाहे इससे अधिक कोई भी संख्या ले लें उससे गुणा करना है, एक अधिक को भी भूल जाइए, आप इससे अधिक कितनी भी संख्या ले लें, मान लीजिए तीन के बाद, बस आपको तीन तक नहीं लेनी है, तीन के बाद कोई भी और संख्या ले लें, मान लीजिए पांच ले लेते हो आप, तो आप क्या करेंगे पांच का इससे गुणा करेंगे इन दोनों से, तो माइनस एक बटा एक है जिसका मैंने पांच से गुणा किया, एक मिनट, माइनस एक बटा एक का भी मैंने पांच से गुणा किया ऊपर और नीचे, और माइनस दो बटा एक का भी मैंने पांच से गुणा किया ऊपर और नीचे, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस का पांच बटे पांच, यहाँ पे क्या आएगा माइनस का दस बटे पांच। लेकिन यहाँ पर हमें कितनी निकालनी है, तीन परिमेय संख्या निकालनी है, तो चलिए निकालते हैं, माइनस पांच बटे पांच के बाद क्या आएगा माइनस छह बटे पांच, माइनस सात बटे पांच, माइनस आठ बटे पांच, माइनस का नौ बटे पांच। क्यों लिख पाए ऐसा हम, क्योंकि इन दोनों के हर समान आ गए हैं और हमने अंशों की तुलना करनी है, सेम पहले क्वेश्चन के या फिर पहले एग्जाम्पल के जैसे बन गया है, तो हमने बीच में चार परिमेय संख्या निकाल दी। आप पांच की जगह छह से भी गुणा कर सकते हैं, सात से भी, आठ से भी, जिससे भी आप गुणा करना चाहें उससे गुणा कर सकते हैं। जैसे ये नहीं पूछ रहे कि इसमें से इसके बीच में चार संख्या बतानी है, तो फिर इसमें प्लस करेंगे तो क्या करेंगे, एक बार दोबारा बोलिए सर। जैसे इन्होंने तीन संख्या पूछी है इसमें इसके बीच की, हाँ जी, तो फिर से तीन में एक प्लस करके जो चार किस करें इसको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, यदि यहाँ पर तीन तीन की जगह पे चार परिमेय संख्याएं पूछी गई होती ना, तो हम चार से कोई भी और बड़ी संख्या से गुणा करते हैं। ठीक है, बड़ी संख्या से गुणा इसलिए कर रहे हैं ताकि इनके बीच में आराम से उतनी परिमेय संख्याएं आ सके। ठीक है, मान लीजिए क्या बोल रही है, हम प्लस बोल रहे हैं, आप तो गुणा बोल रहे हो। नहीं हाँ आप प्लस, ठीक है हाँ मैं समझ गया आपकी बात, आप प्लस कर सकती है, आप यही कहना चाह रहे हैं ना कि मान लीजिए यहाँ पर चार परिमेय संख्याएं होती तो फिर आप किससे गुणा करते, तो फिर आप करके पांच से, हाँ तो फिर चार प्लस एक पांच करते आप और फिर पांच से गुणा कर देते। ठीक है, यहाँ पर यदि पांच होती तो पांच में एक जोड़ते छह आता, फिर आप छह से इनको गुणा कर सकते। ठीक है, किसी और बच्चे का कोई और डाउट है क्या, किसी भी स्टूडेंट का कुछ और डाउट है क्या, कोई डाउट नहीं है, सब कुछ क्लियर है? ठीक है, सभी क्लियर है। ठीक है, तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहां पर इसको पूरा लिखकर दिया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका भी लें और इसके बाद इसका भी स्क्रीनशॉट लें। चलिए, तो एक एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया जाता है, यह वाला क्वेश्चन, यह आपको होमवर्क में दिया जा रहा है, यह आपको सॉल्व करके आना है।